ग्वालियर में तिरुपति ज्वेलर्स में कट्टाड़ाकर 6 लाख के गहने लूट का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ चढ़ गया है। मास्टरमाइंड सराफा व्यवसायी का भतीजा है और घटना के समय वो वही दुकान पर बैठा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने व्यवसायी के भतीजे और उसके साथी को हिरासत में लेकर लूट का माल भी बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर के जरिए पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया है। भिंड गोहद निवासी विनीत कुमार सोनी सराफा कारोबारी हैं। ग्वालियर के आदित्यपुरम में उनका निवास है। आदित्यपुरम में उन्होंने अपनी तिरुपति ज्वेलर्स की एक ब्रांच खोली है, जिस पर उनका दूर का भतीजा सागर सोनी बैठता है। शनिवार शाम बाइक सवार दो बदमाश आए और पहले चांदी की अंगूठी खरीदी। खरीदने के चंद सेकंड बाद लौटे और शटर आधा गिराकर कटाड़ाकर सागर सोनी के सामने से 6.5 किलो चांदी, करीब 36 ग्राम सोने के जेवरात लूट ले गए। घटना के बाद सागर सोनी ने मामले की सूचना अपने चाचा विनीत सोनी को दी। विनीत सोनी थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुकान की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाले। घटना के बाद से ही पुलिस की नजर में व्यापारी का भतीजा खटक रहा था। पहले तो लूट के बाद उसने ना तो डायल 100 को सूचना दी और ना ही वह थाने पहुंचा। जब पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें व्यापारी का भतीजा सागर सोनी कट्टा दिखाने के बाद भी बार बार दुकान में उठता भागता दिख रहा है। उसकी ओवर एक्टिंग से संदेह गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी सीडीआर निकाली। इसमें गोहद बड़ा बाजार निवासी रानू पंडित उर्फ छोटू मिर्ची का नंबर आया। उस दिन बार बार उससे बात की थी। पुलिस ने रानू मिर्ची की हिस्ट्री खंगाली तो वह आपराधिक छवि का निकला। उसके लोकेशन भी वारदात के समय घटनास्थल की ही निकली। उसके घर से लूटा गया पूरा माल बरामद हो गया है। अब पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड सागर सोनी से पूछताछ की, उसने क्यों अपने चाचा को धोखा दिया। इस पर उसने बताया कि वह कब तक कर्मचारी बनकर रहता, इसके खर्चे काफी बढ़ गए थे, इसीलिए उसने वारदात को अंजाम दिलवाया। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ये का गुरु बने गा रहे हो। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे। सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ उगड़ू, बन जाओ उगड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।